साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, आप सब जान रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी कल यानी कि 1 जुलाई को महा आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं अभी आया हूं शिवनंदन भारती जी से, और शिवनंदन भारती जी हमेशा युवाओं के साथ खड़े रहते हैं। जब भी देखा जाता है कोई भी युवाओं का काम होता है, वो स्टूडेंट रहते हैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, यदि पैसा नहीं भी रहता है तब भी सहयोग करते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कल्याण किए हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जब कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उससे पहले क्या क्या कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उसके लिए क्या करना होता है। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, विद्यार्थी कल आंदोलन कर रहे हैं, उनका मकसद ये है कि जब अभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन लोगों का आया था कि डोमिसाइल नीति लागू रहेगा, लेकिन 1-2 दिन पहले देखा जाता है कि कैबिनेट की मीटिंग होती है और उसमें संशोधन कर दिया जाता है कि नहीं, और पूरे देश से फॉर्म डाल सकते हैं, यानी डोमिसाइल नीति को हटा दिया जाता है। और अभ्यर्थी जब आंदोलन कर रहे हैं तो उनको आंदोलन करने से पूर्व क्या क्या प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। बहुत अच्छी बात आपने कहा। ये जो सबसे पहले ये जो आपने प्रश्न पूछा है, जिस मुद्दे को लेकर स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, पहले उस मुद्दे को समझना होगा। ये जो मुद्दा है डोमिसाइल नीति, ये डोमिसाइल नीति का मतलब समझना होगा कि भारतीय संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान हुआ तो आर्टिकल 16 में इस तरह का था कि केवल आप उसमें कुछ लिमिटेशन दिया कि किस किस बिंदु पर आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो उसमें टर्म यूज किया प्लेस ऑफ बर्थ, कि जन्म के स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो बाद में इसको संशोधन जो लेजिस्लेचर ने या एग्जीक्यूटिव ने जो इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया, तो उन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं करके निवासी टर्म यूज कर दिया कि जो बिहार के निवासी हैं वही फॉर्म भर सकते। तो जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया गया। धीरे धीरे अब पॉलिटिकल कारण से, चूँकि राजनीतिक तौर पर सीधे तौर पर इसके लाभ और नुकसान होता है, तो ऑलमोस्ट स्टेट ने अपने जो उसके डोमिसाइल होते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल सुविधाएं दी जाती है, उनके लिए रिजर्व रखा जाता है सीट। जैसे कि झारखंड में आप देखेंगे कि चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, चाहे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, उसमें अपने स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा रिजर्व रखते हैं। तो ये जो नीति है, उस नीति को शुरुआती दौर में बहुत सोच समझ के रखा गया था कि इसमें जो बिहार के निवासी है वही फॉर्म भरेंगे। बाद में इसमें संशोधन लाया गया और ये ओपन कर दिया गया। इसके लिए इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि वो बिहार के बच्चे बहुत अन्य स्टेट में भी जाकर नौकरी करते हैं और अन्य स्टेट में ये अपनी दावेदारी करते हैं। तो ये इन लोगों का कहना है कि भाई हमारे लोग तो पूरे देश में हैं, तो यदि ये नीति हम भी कर देंगे तो कहेगा तुम्हारे स्टेट में तो अदर को जाने नहीं देते, तो हम तुम्हारे स्टेट के बच्चे को कैसे आने देंगे। तो ये एक राजनीतिक कारण हो सकती है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कि बहुत सारे स्टेट ने जब इस चीज़ को लागू कर दिया, 15 स्टेट में, तो ऐसे परिस्थिति में बिहार को भी लोगों ने कहा कि आप ला करके और पुनः यदि फिर उसको संशोधन करके ये ओपन करते हैं, तो ये सब जो चीज़ पर बातें हो रही है। अब आइए मूल मुद्दे पर कि किसी भी आंदोलन को करने से पहले भारतीय संविधान ने हर एक व्यक्ति को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल होने का अधिकार, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है और ये दिया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आपको यदि किसी सरकार की किसी नीति के खिलाफ आपको आवाज़ उठाना है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि आपका आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण हो, वो उपद्रवी तत्वों के द्वारा नहीं आयोजित किया गया हो। आप सरकार को अनलॉफुल असेंबली की बात कही जाती है वो नहीं होनी चाहिए, सरकार को आप डायरेक्ट थ्रेट नहीं कर सकते लेकिन अपनी बात को रख सकते हैं। तो जन आंदोलन करने की जाने के कहने का मतलब है कि आप कर सकते हैं। अब ऐसे परिस्थिति में आपने घोषणा कर दिया, उसको जो संबंधित जिला पदाधिकारी होते हैं उनको आप एक सूचना दे देते हैं, लेकिन वो लोग बोलेंगे कि आप हमको सूचना दे, रिसीविंग नहीं दिया जाता ऐसे परिस्थिति में। तो ऐसे में आपको एक है कि आप एक स्पीड पोस्ट करके या मेल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, और स्पीड पोस्ट का एविडेंट्री वैल्यू थोड़ा साबित करने में कोर्ट में आसान होता है। तो आप इस तरह का कभी कोई आंदोलन हो तो आप जिला पदाधिकारी को आप
एक स्पीड पोस्ट करके डाकिया के माध्यम से एक नोटिस दे दीजिए सूचनार्थ कि मैं ये कर रहा हूँ शांतिपूर्ण तरीके से, और पुलिस के संरक्षण में इसलिए किया जाए कि मान लीजिए भीड़ में कोई उपद्रवी तत्व हो गए तो उसको नियंत्रित किया जाए। तो ये सब कर देने से क्या होता है कि एक और सड़क प्रशासन भी जो है अलर्ट रहती है, आपको वो मदद करती है। आपका आंदोलन यही होता है कि हम विरोध कर रहे हैं, और विरोध में आपका जो एक मांग पत्र होता है वो सचिवालय तक पहुँचना होता है, सचिव के माध्यम से संबंधित मंत्री तक पहुँचता है, तो ये वहाँ तक आपको ले जाने में सुविधा प्रदान करती है। तो शांतिपूर्ण तरीके से करने में कोई रोक ठोक नहीं है, लेकिन आज के डेट में दोनों तरफ से सरकार चाहती है कि हम आंदोलन को दबा दें, स्टूडेंट या मूवमेंटकारी चाहते हैं कि लाठी चार्ज हो ताकि ये चर्चा का विषय बने, तो ये फिर और अराजकता की स्थिति, उस सब चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि सरकार को डायरेक्ट चैलेंज करना अभी जो है तो संभव नहीं होता है, लेकिन जन आंदोलन में यदि कन्वर्ट हो गया सरकार डरेगी, क्योंकि उसको वोट में कन्वर्ट करना होता है। यदि बिहार के लोग रिवोल्ट कर जाएंगे तो सरकार को अपनी नीति वापस लेने पर मजबूर होने पड़ेगी, तो ये सब चीज़ किया जा सकता है। देखा जाता है कि शांतिपूर्ण आंदोलन होता है फिर भी उसमें वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है, आंसू गैस का गोला छोड़ दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? यदि ऐसा आपको लगता है कि आपके अधिकार के साथ हनन हो रहा है तो वाटर कैनन छोड़ दे, लाठी चार्ज कर दे, तो इसी सब चीज़ के लिए मानवाधिकार होता है, आप हाईकोर्ट के संरक्षण में आते हैं। लेकिन होता क्या कि स्टूडेंट इतने बारीकी से करते नहीं, हो गया मार लग गई, केस हो गया, भाग गया। आपको लड़ना होगा, आपको घर बैठे न्याय नहीं मिलती, न्याय आपको प्राप्त करना होता है। आपको यदि शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन कर रहे हैं, आपको यदि लाठी चार्ज कर रहा है तो आप कोर्ट में कंप्लेंट कीजिए, मानवाधिकार आयोग में जाइए, वो नहीं करेंगे तभी आप आएंगे। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, तो लोगों को अंजाम तक पहुँचने के लिए जानकारी के अभाव में वो अपरिपक्व होते हैं, कानूनी रूप से इतने मजबूत नहीं होते हैं और संगठित होते हैं, जिसका लाभ कहीं ना कहीं सरकार को मिल जाती है। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनके पास अभी जो ये डोमिसाइल नीति को लेकर केवल आंदोलन ही रास्ता है या कोई और कानूनी उपाय है जिसे कोर्ट में किया जा सकता है? नहीं, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए लोगों के पास बहुत है, लोग गांधीगिरी भी करते हैं, माला पहना कर, फूल की माला भेंट करके, अपने अनुनय विनय करके, बहुत सारा चीज़ है अनशन करके। तो मुझे लग रहा है कि लोग इसमें यदि आपको लगता है तो शांतिपूर्ण तरीका करने का ये है कि आप अनशन कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी आपके पास आते हैं उनके अधिकार का हनन होता है तो आप पूरा सहयोग करेंगे? देखिए, ये सवाल ये है कि पहले घोषणा करना उकसाने वाली बात हो जाएगी, तो वो सब चीज़ पर नहीं, केस करने से पहले, होने से पहले हम लोग सजेशन ने, हो जाने के बाद बचाने में हम लोग की भूमिका होती है, तो उससे पहले हम इस पर कोई टिका टिकी नहीं। हमेशा जो भी अभ्यर्थी होते हैं हमेशा सहयोग करते हैं, शिवनंदन भारती जी और मैं इन्हीं से चर्चा कर रहा था। तो जो भी अभ्यर्थी हैं यदि एग्जाम टूर पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बावजूद भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया।